जसदीप देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह। अज का मुद्दा तुहाडा स्वागत करदा। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर, ये वो मुद्दा जिस दे उत्ते सियासी रोटियां इन्नियां कु सेकियां गईयां कि हजे तक इस मुद्दे का हल नहीं होयागा। मामला सुप्रीम कोर्ट के विचार अधीन है। किहड़े पक्ष है सुप्रीम कोर्ट के, ये सानू समझना पवेगा। पानी वाला पक्ष किन्ना ते नहर पूरी करने वाला पक्ष किन्ना हैगा, ये सारे सवाल सानू समझने पैणगे। ये बिन पानी वाली नहर ते सियासी वोटां दा हर वारी हाड़ आउंदा है, ते पंजाब ते हरियाणा नू इस मुद्दे दे उत्ते इस तरीके नाल पेश कीता जांदा कि दोनों एक दूजे दे दुश्मन करा दिते जांदे आ। पर सवाल यह हैगा, SYL दा मूल आधार की है, किहड़े कानून की धारा की कहिंदी है, की है टैक्निकली ते प्रैक्टिकली दोनों एंगल समझने जरूरत है, की है। इस करके असीं पुछ रहे हैं SYL दी मुड़ तुरी गल किवें निकलेगा हल। अज क्यों गल करनी पै रही है, सानू फटाफट तुहानू पॉइंटर दस दिए, तो उस तो बाद इस मुद्दे नू अगे वधावांगे। पंजाब हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा मुड़ पक्षिया, इस करके पक्षिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिते है पंजाब हरियाणा च बैठक होनी चाहिए है, तो केंद्र नू आदेश दिए है दिते गए है। दोवां सूबियां दे मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्र की विचोलकी रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का दावा है कि यह बैठक है जी सकारात्मक रही है। कौमी सुरक्षा का मुद्दा दस कैप्टन ने केंद्र को चेतावनी दे दी है कि इस मुद्दे पर ध्यान नाल सोचा जाए, विचारा जाए, मसले का हल गलबात जरिए कढ़ने की कोशिश जारी है। मनोहर खट्टर ने यह गल कह दी है। अगली मीटिंग की भी तैयारी की जा रही है, जल्दी मीटिंग होगी। पंजाब हरियाणा च SYL ते सियासी वार पलटवार तेज़ हो गई है। कईयों ने तो इतों तक कह दिता कि जिवें अयोध्या वाला मामला हल होया उवें SYL का हो जाएगा। इहोजे बयानबाजियां जदों शुरू हो जाए तो समझ सकते हो तुसीं सियासत की पालदी पई है। जानकारी दी राय है वोटां दी खातर उलझाया गया मुद्दा, जानकारी नाल आम लोग भी मानते हैं कि वोटां दी खातर इह मुद्दे नूं उलझाया गया। तो साडा खास मेहमान मौजूद रहणगे, तो तुसीं फोन कॉल भी कर सकते हो। बहुत ही भाषा का संजम का ख्याल रखते हुए तुसीं फोन कॉल कर सकते हो। तो डॉक्टर प्यारला कर्क वो एक्टिविस्ट ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, माहर दे तौर ते साडा मौजूद रहण के इन्होंने इस मुद्दे नूं चंगी तरह कोखिया पढ़िया होया। तो इन्हों पता हैगा कि साल 1966 जिहड़ा पंजाब पुनर्गठन एक्ट है उनके कानून की धारा की कहती है, तो उत्तरी भारत के नहरी पानिया बारे जिहड़ा कानून हैगा वह की कहिंदा हैगा, तो साल 1966 की धारा 68 ते धारा 78 की कहती है वो इन्होंने चंगी तरह पढ़िया विचारिया जाणिया हैगा। तो इस मुद्दे नूं टैक्निकल ते पोलिटिकली दोनों तरीके नाल जानते हैं। डॉक्टर गर्ग सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। डॉक्टर गर्ग पहला सवाल सर यही करना चाहूँगा, मैं सियासत तो पासे हट के सियासत के बाद चल जाऊँगा सर, पहला सवाल ये करना चाहूँगा असल में इस मुद्दे नू टैक्निकल तौर पर रिपेरियन कानून के तहत हल करने की कोशिश की गई है जां सियासी तौर पर ही इस नू नजिठा जा रहा? नहीं, मैं इस तो पहला भी मुद्दा की है असल मुद्दा यह है कि रावी ब्यास का पानी जी वाधू पानी है, सरप्लस वाटर 7.2 मिलियन एकड़ फुट है, वह मैं मिलियन एकड़ फुट बाद समझा दाँगा। वो हरियाणा 3.5 मिलियन एकड़ फुट देता, अद्धा सानू देता, अद्धा उन्होंने सानू लिखा मैक्सीम 3.5, उन्होंने कहता 3.5 देता भी सानू वो तो 3.5 मिल सकता है, 6.2 दिल्ली में देता। ये उत्ते जिहड़ा दिता गया 1981 के समझौते के तहत, जां कह लो हुक्म के तहत कह लो, समझौता कह लो, जो भी कहो, वो तहत ही यह दिता गया। ये कानून न जिहड़ियां पुरानियां प्रोसीडिंग सीगियां जो हरियाणे ने आप लिख के दिता कई बार विचों, उन्होंने भी सारियां नूं दरकिनार करके इंटरनेशनल दा केंद्र सरकार दा, हिंदुस्तान की सरकार दा कानून, हिंदुस्तान की सरकार दा जद भारत आजाद नहीं होसी उदों दा कानून, बाद दा कानून, सरहंद नहर जद 1860 च उहदी बनी योजना, उहदा जो फैसला होया 1873 दे विच नहरां दा पानी दा निकासी दा कानून भारत सरकार दा, ये सारे 1935 दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन्हां सारे कानूनां नूं दरकिनार, बाकी सूबें दा, बाकी सूबें दी रीऑर्गेनाइजेशन दा, ये सारे कानून दरकिनार करके फैसला होया पिया। वो मैं फिर तुहानूं दस सकदा वी की दरकिनार होया। पहली गल, दुनिया दे विच 1860 च जद सरहंद कनाल बनन लगी उदों तुहानूं पता जिहनूं आपां पैप्सू कहिंदे हुंदे पंजाब च रल गया सी, उदों ये स्टेटां सीगियां, पटियाला स्टेट ने जिहड़े महाराजा साहब हुण मुख्यमंत्री ने इन्हां दी स्टेट सी, उस स्टेट ने कहा कि सानूं तुसीं सरहंद कनाल चों पानी दिओ। तुहानूं पता वी रोपड़ तों दो नहरां निकलदियां ने, एक बिस्त दुआब उधर नूं जांदी है नवां शहर वल नूं, ते एक सरहंद कनाल आ जिहदे नाल पूरे मालवे दा रीजन जिहड़ा पंजाब दा बहुत वड्डा हिस्सा
ये सरहद किनार राही निकलता साढ़े पिंड के लागे की बब्बनपुर नहर है सानू पता है उसका अभी उसे देखते रहे घराट लगी तो वो सरहद किनार की जब योजना बन लगी तो इन्होंने आख्या सानू पटियाले पानी दो उत्ते फैसला होया भी क्योंकि जेड़ा सतलुज दरिया है यदा पटियाले कोई टपक नहीं पटियाला रिपेरियन है नहीं पटियाला स्टेट ये पंजाब यदा रिपेरियन है इस करके जेड़ा पानी है ये पटियाले नहीं दिता जा सकता जे ये को वाधू पानी हो पटियाले तो पैसे लेके पानी दिता जा सकता है जी उन्होंने उस पानी नाल फायदा होगा ये फैसला हो गया यदा मतलब 1873 के कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट बने नॉर्थ इंडिया कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 वो भी यही फैसला होया भी जेडे जेडे दरिया के कंधे रिपेरियन किनू कहें रिपेरियन कहें भी जेडे लोग किसी दरिया के कंधे जां किसी वाटर बॉडी यानी कि कोई झील होवे कोई पानी का होर स्रोत होवे जेडे पानी के स्रोत के कंधे च रहिंदे ने उस पानी च उन्हां दा हक होर किसी का नहीं इनू रिपेरियन ला कहिंदे ने इस रिपेरियन कानून के मुताबिक जेड़ा रावी है ब्यास है तो सतलुज है यदा हरियाणा बिल्कुल रिपेरियन नहीं है ना राजस्थान यदा रिपेरियन है यदा रिपेरियन है हिमाचल कितने कितने जे एंड के पंजाब यदा रिपेरियन होर कोई है नहीं इस तरह जिवें यमुना है यमुना च गंगा दे असी रिपेरियन नहीं है हालांकि यमुना भी जॉइंट पंजाब सीगा तो इस करके जिहड़ा रिपेरियन कानून है वह ये कहिंदा भी जिथों की दरिया वगदा है जिथे के लोग रहिंदे एक होर कानून फिर 1949 च आया जिदे कहा बेसन स्टेट जिहड़ा बेसन स्टेट का मतलब यह है भी दरिया च पानी आता ना कितों आले दुआले निकल के कोई छोटे नदियां नाले पैंदे ने उन्हूं बेसन कहिंदे ने भी कितों कितों इहदे च पानी आ रहा है वह बेसन स्टेट जिहड़ी धारणा है वह भी जितों जितों पानी आ रहा वध तों वध वह लोग उसका पानी वरत सकते हैं कि जी साडा पानी ही जांदा इत्थे रुड़ के सो इस तो अगे का कोई बंदा वरती नहीं सकता हुण हरियाणे का ना तो पानी रुड़ के जा रहा है हरियाणा ते पंजाब दे विच जे सांझे रिपेरियन ने सिर्फ घग्गर दरिया घग्गर दरिया उत्ते हरियाणा भी रिपेरियन है असीं भी रिपेरियन हाँ हिमाचल भी है उदू उत्ते पाकिस्तान भी सो इस करके जिहड़ा रिपेरियन इंटरनेशनल लैवल ते कानून है ये जे मैं इस तो अगे जावां 1896 च मैक्सीको का US नाल झगड़ा सी वह भी रिपेरियन लॉ दे उत्ते तय होया फिर 1921 सतलुज के उत्ते क्योंकि असी तो बहावलपुर स्टेट है पंजाब के नाल बहावलपुर स्टेट इंडिया अनडिवाइडेड सी बीकानेर ने कहा कि सानू सतलुज का पानी दिओ तो बीकानेर के राइट नू ये कह के रिजैक्ट करया गया कि थोड़ा तो राइट बनता ही नहीं तुसी रिपेरियन ही नहीं है बीकानेर स्टेट नू पानी नहीं दिता भी ये तो पंजाब के बहावलपुर का रिपेरियन है सो अगेन 1921 रिपेरियन जिहड़ा लाए ये फिर सतलुज दरिया के उत्ते 1860 1873 1921 सतलुज दरिया के उत्ते भी ये सैटल होया जी मैं गल करनी चाहना भी जिहड़ा ये इन्नी देर तो चल रहा है इस तो अगे जाके जे असी 1896 का मैं जिक्र करता उस तो बाद 1925 नील दरिया का झगड़ा पिया नील दरिया का मिस्र के तुम पता लगता है नील दरिया उतों की इकोनमी का बड़ा व्डा मतलब थम कहा जाता है असं कहते नील उसका जीवन है सानू बचपन च पढ़ाया जाता सी भूगोल के नील दरिया का झगड़ा भी रिपेरियन लॉ के उत्ते फैसला होया फिर 1949 आके जॉर्डन का जिहड़ा इजराइल सी जॉर्डन दरिया के वास्ते इजराइल का यूनाइटेड अरब अमीरात दे स्टेटां दा यूनाइटेड अरब स्टेटां दा जिहदे विच लेबनान जॉर्डन सीरिया ये तीन स्टेटां दा इजराइल नाल झगड़ा सी वह भी रिपेरियन लॉ के उत्ते फैसला होया मध्य प्रदेश दो हिस्सों च वंडिया गया छत्तीसगढ़ ते मध्य प्रदेश ओहदे विच भी जिथे कानून च लिखा बड़ा स्पष्ट भी इंटर स्टेट रिवर्स ने जिहड़े उन्हां दे उत्ते समझौता होएगा जो इंटर स्टेट नहीं है वह तो कोई झगड़ा नहीं है सो इंटर स्टेट जो 1956 का कानून है पानी का वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट वह भी इंटर स्टेट रिवर्स की गल करता वह किसी एक स्टेट के रिवर की गल नहीं करता ठीक ठीक है जो इंटर स्टेट हो जाने के राज्यों के विचों की वगदा हो फैसला करेगा।
ठीक है डॉक्टर, अगर तुम टैक्नीकली बहुत डिटेल में समझाया तो इनू पोलीटिकली मैं समझना चाहूँगा, एक छोटा जहा वक्फा लूँगा, वक्फे तो बाद वापस आऊँगा। ये मसला पोलीटिकली बन चुका, टैक्नीकली जिस तरीके डॉक्टर गर्ग दसते पे, मैं लगता शायद कानून दिया धाराव का कानून का उन्ना ज्ञान सानू तुहानू नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट के विच ये मामला पहुंचा उत्थे की मामला विचारिया गया, तो उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने किहड़े आदेश दिते आ जिसते हरियाणा अड़िया होया, सवाल यह भी होना चाहिए क्योंकि असी उस आदेश नू उस हुक्म नू चंगी तरह समझ ही नहीं पाए कि सुप्रीम कोर्ट में किहड़ी पटीशन है तो किस दलील के आधार पर यह सारा फैसला किया जा रहा। नहर बनानी है, नहर दे विच पानी कित्थों आएगा, यह सवाल अगला हैगा, पर नहर बनेगी किवें यह सवाल इस वक्त बहुत वड्डा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो ये कहन कि कौमी सुरक्षा का मुद्दा है उदों किते वह आपका केस कमजोर कर रहे, मजबूत कर रहे हैं, तो जो ये कहा जाए कि पंजाब को वाधू पानी है नहीं, उस दलील कि दावा ब्रेक तो वापस आके सवाल होगा जरूर। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं, इस वेल की मुड़ तुरी है गलत किमें निकलेगा हल, डॉक्टर गर्ग तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग सर, मैं जो सवाल कर रहा है इस दे विच मैं एक कॉल ले लवां, उस तो बाद मैं तुहाडे कोल वापस आ रहा हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो जी, कित्थों बोल रहे हो? हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी? मैं रेशम सिंह बोलता, टिप सिंह जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मुद्दा लिआंदा लिंक नहर दा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, तो बाकी पी एल गर्ग साहब का भी बहुत धन्यवाद, क्यों पुराने है दूजी बात तुम मैं गल दस दिना, पंजाब जोड़ा हैगा एक योजा सूबा आ, एक योजी इतने मतलब बसों जिन्हों कोई भी कुछ देने तैयार नहीं है, चाहे किसी की भी मतलब पार्टी हो राज कुछ हो तो ठीक है। रेशम सिंह जी, जो तुम अपना सवाल रख सको तो ज्यादा बेहतर है, मैं लगता सियासत तक चाहती है। सवाल तो पहले थोड़ा उस गल की बेसिक मतलब जड़ तक पहुंचना पेगा, जड़ है की आ जी, जड़ की आ, जड़ की है, मतलब जड़ ये हैगी है पंजाब दे विच इस वेले हैगा, जो भी हैगा चाहे पंजाब की किसी राजनीति है चाहे किसी होर दी राजनीति है, उन्हें कोई देने तैयार नहीं हैगा, तो जे कुछ देना होंगे तो हूँ तो पंजाब के जोड़े मतलब पंजाबी बोलते इलाके हूँ दे देने से, पंजाब के चंडीगढ़ हूँ देना से दिता क्यों नहीं है, हूँ इस वेले चाहे सेंटर के कुछ भी हैगा, वो सिर्फ यही गल देखी जाती, पंजाब जो सरहदी सूबे देना से की है। थोड़ा मुद्दा लेने बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब के, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी रेशम सिंह जी, शुक्रिया जी। डट करके सीधा तौर पर कहना चाहते कि पंजाब नू कोई देना नहीं चाहता गा, मतलब इन्हों का केंद्र सरकार से है, तो मतलब इन्हों का पंजाब की सियासी धिर भी है जेडे कि इस पूरे मामले में एक दूजे वाल उछाल दियां पईआं। डट गर्ग, हाँ बिल्कुल ठीक है इन्हों की गल, मैं तथ्यों के आधार से तुम दसना जी। जब ये पंजाब का पहली गल 1960 जी पाकिस्तान नाल समझौता होया पानी का वर्ल्ड बैंक ने करवाया, वो स्पष्ट है कि रावी ब्यास सतलुज ये पंजाब च दरिया वगते ने, इन्हों का ये हक है, चनाब जेलम तो सिंध वो तिने दरिया पाकिस्तान के ने, उन्हों का हक है, तो पाकिस्तान को यह भी लिखा गया कि रावी के पानी को रोकेगा नहीं, जा ब्यास देनू जा सतलुज देनू किते वो रोक नहीं पाएगा, पर जब ये ओदे थल्यों वग के उधर चले जाते हैं उदों वरत सकेगा उस पानी को, हिंदुस्तान कोई रोक नहीं पाएगा जब उत्थे वग के चले गए जो उत्थे कोई दरिया नाला पैंदा है। हुण 1960 एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी असी पैसे दे के भारत ने पानी मुल खरीदा, बिल्कुल नहीं, ये खरीदा सी उदों की गल सी क्योंकि पहला हिंदुस्तान कट्ठा सी, पाकिस्तान ने कहा भी जनाब जिहड़ा असी रावी ब्यास चों पानी दीआं नहरां नूरां कढ़ियां होईआं ने, हुण सानूं उहनां नहरां च पानी पाउण वास्ते होर नहरां कढ़णियां पैणियां ने, सानूं तां फालतू खर्चा पै गया, वह खर्चा दिओ, वह खर्चा नहरां कढ़न वास्ते दित्ता सी, वह पानी नहीं मुल लिया, पानी तां साडा सी, उन्होंने आख्या हूँ असं अड हो गए ठीक है, पहले असं नहर क्डिया हूँ वह साड़ी बेकार गई, वो वास्ते थी। दूजी गल 1966 का जोड़ा कानून है वो धारा 68 स्पष्ट कहती है भी जो जिते साझी आनू बंडना है, ये साझा है नहीं, सिर्फ ब्या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कुछ चुना सकता है, उदू के 68, 79, 78, 80 भी कई बार इदा इंटर वो भी कितने नहीं लिखा भी रावी का पानी बंडना है, वो लिखा है भाखड़ा का जो प्रोजेक्ट जो लै रहे पहले ही इधर ब्यास का जोड़ा उन्होंने मिलना सी, ब्यास प्रोजेक्ट अजे कंप्लीट नहीं होया सी, जोड़ा मिलना सी जो मिलना कैलकुलेट करेगा वो 0.9 मिलियन फुट एकड़ फुट बनता है, इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है,
ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ 1960 ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 7.2 ਚੋਂ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਵਾਟਰ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 7.2 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜੂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 1973 ਤੱਕ 1973 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.145 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਨੋਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੁਣ 2.145 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਿੱਥੇ 3.5 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 1976 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.65 ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡਤਾ ਚੱਕ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡਤਾ 350 ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟਸ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਏਰੀਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 2.145 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਚਲੋ 0.245 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਇਹ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਡਾ ਗਿਆ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ 1981 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਵਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡੋਹੇ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵਰਸ ਇਹ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹ ਨੋਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 1981 'ਚ 1981 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜੂ ਐਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜੂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਚਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਟਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ BBMB ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਤੋਂਦਾ ਪਿਆ BBMB ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ BBMB ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੁੜਿਆ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤਬਾਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੀ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
कि जे इत्थे हड़ आउंदे ने गेट खोल देण नाल पानी दा फ्लड गेट खोल देण नाल ते फिर ओह हरियाणा दी भरपाई वी ते करे डाटागर सर मैं सवाल ही नहीं रहा डाटागर सर मैं ना उल्टा करता ठीक है ये दुनिया तो जगों तेरवी करती सारा कानून जेड़ा 60-40 दा सी ओह भी तोड़ता रिपेरियन कानून भी तोड़ता 1860 दा कानून भी तोड़ता 1873 दा कानून भी तोड़ता 1921 दा कानून भी तोड़ता 1956 दा भारत दा कानून भी तोड़ता आपदा बना हुआ इंटरस्टेट वाटर रिवर्स डिस्प्यूट फिर रह की गया सर एक लाइन दे विच मैनूं समझा दो सर सतलुज यमुना लिंक नहर की उसारी का मामला है जां पानी की वंड का मामला सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किस ते सुनाया देखो जेड़ा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुनाया अजे पानी की वंड का इशू नहीं उन्होंने लिया होया उन्होंने आख्या पहला नहर बनाओ नहर बनाउण दा हुक्म हो चुका ऑलरेडी ये नहर बनाउण ते झगड़ा वो हरियाणा कहिंदे जी देखो ये तो बना नहीं रहे बादल साहब ने सियासत जो तुसी कहा करी भी नहर नूं पूर दो जी हां डी नोटिफाई कीता उन्होंने ना वो नहर पूरी गई है ना किसे नूं जमीन मिली है ये सारियां सियासी पार्टियां एक मैं जरूर कहांगा भी जद इन्होंने हालांकि वो लीगली नहीं टेनेबल सी पर इन्होंने जो 1981 का एग्रीमेंट सी उन्हों उसकी क्लास जब रद्द करी भी असी पंजाब नहीं मानता हालांकि उसनों ये तो औखा सी पर एक बोल्ड स्टैप सी वो बहादुर स्टैप सी कि देखो जी ये गलत है तुम एवं बैठे सेंटर च क्लास बनाती ये थोड़ो है भी असी नहीं मानते ये गलत है साढ़े अगेंस्ट है तुम रूलों के मुताबिक फैसला करो हूँ भी सुप्रीम कोर्ट के रूलों के मुताबिक फैसला होने की वजह फैसला किस गलते हो रहा है 1981 जी वंड करी गई जिहड़ा हरियाणे ने उंज अपनी एक चिट्ठी च मंगया सी पानी पर जब लिखती गल नोट आया उदों 2.145 मिलियन एकड़ फुट मंग रहा है कि तुसी उन्हों 3.4 मिलियन एकड़ फुट दे रहे हो ये तो वड्डा धक्का की होएगा और केंद्र जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है वह फैसला ये नहीं देख रहा भी कानून गलत है वह कहना यह बनया थोड़ा ये अनुसार पानी दियो दसो फिर तो साढ़े उल्ट जाने ठीक है सर फिर तो बकरी जी मां कर खैर मनाऊगी ठीक ठीक है डाटागर मैं वापस आ रहा सर बहुत डिटेल वे तुसी समझा रहे हो तो साढ़े को जो सवाल है वो सवाल बहुत सारे है पर जिस जी डिटेल वे तुसी दसते पे हो वो टैक्निकली एक पोलिटिकल लोगों को समझ आता कि नहीं आता गा आम लोग है जो सीधी भाषा में यह समझना चाह रहे हैं कि जान बुझ के पंजाब के उत्ते केंद्र सरकार वो वितकरे करती है ये सवाल आम लोगों का तो यह सवाल होना लाजमी है जिमें एक कॉलर ने पहला ही कहता कि केंद्र पंजाब नूं कुछ देना नहीं चाहती कि वो सारा मामला इस नाल जुड़िया होया पर कानून दियां धारावां जिहड़ियां डाक्टर गर्ग गिना रहे हैं रिपेरियन कानून के तहत रिपेरियन सिद्धांत के तहत जिहड़ा सारा कुछ ये मामले का हल होना चाहिए उस वाल क्यों नहीं वधते पिया सी वापस आके सारे सवाल हो गए जरूर एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं सोएल की मुड़ तुरी गल कि निकलेगा हल डाटा गर्ग सर बड़ा स्ट्रेट सवाल है मेरा कि वादू पानी है नहीं इस दलील कि दम है दूजा सवाल सर मेरा नाल ही इससे जुड़िया हुआ संखेप मैं तुरंत जवाब चाहूँगा कि पंजाब के पानिया का राखा कैप्टन अमरिंदर सिंह आपदे आप घुमाते हैं मेरा सवाल है सर कि पंजाब की सियासत पानिया का डाका किन्ने मरवाया डाटा गर्ग दो सवाल है सर हाँ जी बिल्कुल मैं दोहां ची आवांगा पहली गल यह है भी जब असीं पानियां दी गल करदे आ इहदे विच वड्डा मुद्दा साडे सामने आउंदा भी 1967 जद उन्होंने चिट्ठी लिखती उदों बाद दो साल पंजाब सरकार बहुता जवाब जो नहीं दे पाई क्योंकि इन्हां दी आपदियां सरकारां टुटदियां रहियां बनदियां रहियां हो रहियां वो काफ़ी लंबा असीं वो टाइम गवा बैठे फिर 1972-73 च आके काफ़ी मीटिंगां मूटिंगां होईयां उत्थे जिहड़ा हरियाणे ने मैं दस्सिया 1973 च नोट दित्ता जिन्हों फटाफट सरकार ने कैच कर लिया पर 1976 से पैसा हो गया हूँ जी वही गल यह है भी जिहड़ा यह कहना कि साढ़े को वाधू पानी नहीं अपने आप ही हार का पॉइंट है वाधू पानी साढ़े को ना हो पर जे हरियाणे का हक उन्होंने क्यों ना मिले पर जब वो हक ही नहीं फिर वाधू है जाना है सवाल नहीं तुम जो 1860 का सरहद कनाल द पटियाला स्टेट में पानी देता उदों तो वाधू पानी है फिर 1921 सतलुज दरिया का पानी बहावलपुर से पंजाब में छड़ के नाल बीकानेर में देने का सवाल है उदों तो वाधू पानी हैगा सी वाधू होण जां ना होंदा सी उदों भी नहीं दिता गया वाधू हैगा सी उदों भी कहा गया भी जे वाधू देना भी उह तां पैसे लैके देना सो इस करके ये जिहड़ा इत्थे जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां आ गईयां पहलां कंसीड कर गईयां भी पानी तो थोड़ा हक बनता है पर साढ़े को वाधू नहीं है
वादू नहीं है फिर दो आपके हिस्से चो तो थोड़ा भी तुम कटे मान लो गे सो इनका लूजिंग आर्गूमेंट है इसे करके केस में हारे मैं तुम्हें अज दस दिना जब तुम लूजिंग आर्गूमेंट जाने हो यह तो सैकेंडरी है कि जी जे हिसाब ना तुम पानी गिने फिर उस हिसाब न दोबारा गिनो अज साडा पंजाब के सिर्फ फतेहगढ़ पटियाला मुक्तसर तो एक अद्धे होर जिले को छड़ के बाकी जिन्हों से दो तो लैके दस मीटर तक पानी थले चला गया धरती का सड़कों पानी नहीं रहा तो जे तुम दोबारा हिसाब लो ना लाड़ो ग्राउंड वाटर किन्ना साढ़े को कि सानू रोड है आ मेरे को साडा एरिया तो नहरा राही 21% होंगे इरीगेट हरियाणे का 38% हो रहा अज भी एद उन्होंने को नहर का पानी ज्यादा साढ़े ना सो असी जे जे हिसाब किताब ने तो बात दे ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸੀਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੋੜ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਨ ਸਟੇਟ 1860 ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1873 ਦਾ ਐਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1935 ਦਾ ਐਕਟ 1921 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਤੇ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਜਿਤਾਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾੜਕੂਵਾ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੇਗੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਕਾਹਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 1981 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਸਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ 1986 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਆਪਣਾ 1981 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪ ਹੋਲਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨੇ 4.8 ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ना वह विड्रा कर देनी है वो उत्ते फैसला कर देना वो फैसला तो फिर साढ़े उल्टी जाना इस कोई कहन की लड़ ही नहीं है ये तो साढ़े उल्टी जाओ क्योंकि वह तो लिखे भी थोड़ा इन्ना पानी थोड़ा इन्ना पानी थोड़ा देना ही पेगा सो इस करके अज जो है ये दोनों पार्टियां जिस गल के उत्ते करे पोलीटिकली फैसला करने वाला पहली गल पोलीटिकली फैसला करने तैयार नहीं क्योंकि जे अकाली ने केंद्र के मोदी साहब ने किमें बोल जाएंगे वो तो आपके लंगर से नहीं बोले इसे किमें बोल जाएंगे जे कैप्टन साहब ने जो किसी गल के उत्ते सपोर्ट कर देंगे मोदी साहब की किसी पर जो हूँ इन्हें आलू वाली रिपोर्ट आई है कमेटी रिपोर्ट आई है वो उही है जी जी केंद्र कर रहा है खेती बारे सो इस करके इन्हां दी पोलीटिकल गिमिक ज़्यादा ने पंजाब दी रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने वास्ते क्योंकि लोगों को इनवॉल्व नहीं करना चाहते ये सिर्फ लोगों को लड़ाना चाहते हैं मैं किसी बादल साहब का बयान सुनिया भी हुण बंदे तैयार हो जाए बादल साहब नूं पुछो भी नौजवान तो तैयार पहले भी हो गए सी बहुत सारे मर गए सी ते पर अपने फरजंद तो चाहे एक पार्टी चाहे दूजी पार्टी ने वो तो राज ही कर रहे हैं इन्हां दोवां च पंजाब दे पाणी दे कोई राखा हैगा असल च या नहीं हैगा नहीं जे राखा हुंदा फिर हुण नूं तो फैसला हो जाता ये दो ही राज करते रहे ने तीजा तो कोई बहुत बरनाला साहब आया एम ए टेंपरेरी थोड़ी देर साहब बेन सिंह बहुत थोड़ी देर आए यही दोनों राज करते रहे ने जा गवर्नर रूल रहे और तो कोई राज ही नहीं करता रहा चलो ए, 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 एक एक सर एक सिर्फ बनाई हुई गल है कि पंजाब दे पानिया दे राखे है कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है नहीं मैं कहांगा जेड़ा उन्होंने टर्मीनेशन ऑफ जेड़ा एग्रीमेंट करया सी क्लॉज वो एक बोल्ड स्टेप सीगा क्योंकि उस वक्त केंद्र के खिलाफ जाके ये करना क्योंकि केंद्र च जिहड़ा इन्होंने फैसला करिया उदों ये डर हुंदा भी केंद्र आ करूगा वह करूगा वो बोल्ड स्टेप सी पर राखे रूखे नहीं बने ये चलो राखे बने होंगे तो लोगों नूं मोबिलाइज करके ही मिलना सी लोगों तो मोबिलाइज ही नहीं करिया चलो ठीक है सर डटकर एक होर छोटा जिहा ब्रेक लैके वापस आ रहे हैं पंजाब दे पानियां दा असल विच राखा कौन हैगा सवाल ये तुहाडे सामने इसलिए खड़ा क्योंकि पानी पंजाब की लाइफलाइन है तो पंजाब के बहुत वड्डे हिस्से दे विच एस वाई एल का रोल है जिहड़ा वो आपदा रोल निभा सकता क्योंकि एस वाई एल जे इंदी उसारी हुंदी है सतलुज यमुना लिंक नहर की इस दे विच जे पानी छड्डिया जांदा तो पंजाब के पहला ही जिहड़े ब्लॉक है डार्क जोन में आ चुके हैं केंद्र दीआं रिपोर्टां भी साढ़े सामने पईआं होईआं असीं उसका जिक्र क्यों नहीं करते पे ट्यूबवैल ला के असीं पंजाब का पानी है जिहड़ा हेठों कढ़ लिया उस बारे असी कदे नहीं सोचते गए पंजाब दे पानिया का जे कांड हो रहा पंजाब दे पानी जे जहरीले हो रहे उस बारे नहीं असी सोचते पे असी सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत करते पे हैं सियासत में समझना पवेगा टैक्नीकली भी सानू भाग सारे समझने पैणगे जिहड़े कौमांतरी कानून है वह की कहिंदे वह भी सानू समझने पैणगे पर हुण इह मामला सारा सियासी है तो सियासी ही हल निकलना है तो जे टैक्नीकली निकलता हुंदा तो शायद हुण तक यह मसला निबड़ चुकिया हुंदा पर ये चाहते नहीं मसला निबड़े क्योंकि ये तुहानू सानू वोटां दी खातर लजाउणा चाहते हैं जदों डट गर्ग ये गल कहण कि चोणां जदों आउंदियां तो उदों ये मुद्दा चुकिया जांदा है तो कुछ लीडर दबी जबान दे विच वी ये गल कह देंदे आ कुछ ओपनली भी कह रहे हैं कि चोणां करके ये मुद्दे चुके जांदे आ चोणां तो हजे पंजाब दीआं दूर है ये मुद्दा उदों तक लजाया जाऊगा किवें कीता जाऊगा की सब कुछ होगा ब्रेक तो वापस आ रहे हैं एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं डॉक्टर गर्ग सर सियासत जो इस मुद्दे बारे कोई गल हुंदी है सियासत कहती है सर्व पार्टी बैठक सद लो सियासत कहती है विधानसभा का इजलास सद लो सियासत कहती है कि सानू इस ते मुड़ विचार करना चाहिए सियासत यह कहती है कि हरियाणा दे विच बीजेपी सरकार है केंद्र विच बीजेपी एनडीए की सरकार है तो इस करके वो इस मुद्दे मुद्दे पर पंजाब नूं पिछे तक देणगे डॉक्टर गर्ग सर हल की हैगा मेरा सवाल यह है देखो हाल यह है भी जिहड़ा कहिंदे ने भी तुसीं सारे नूं बुला लो ये असल च चोणां दे मामले च चलदे ने चोणां तो सवाए जे पंजाबियां नूं इकट्ठे करके पंजाबियां दा मुद्दा ये स्ट्रगल तो बिना हल नहीं होना केंद्र ने कदे पंजाब नाल फैसला नहीं हक च करिया ये सही गल है इस कोई शक नहीं है 1976 तुसीं पानी जिहड़ा उन्होंने मंगिया भी नहीं तुसीं वो दे दिंदे हो 81 च आके फिर तुसीं सानूं वरचाई दे जांदे हो हैं फिर इन्ना च नहर का जो स्टाफ से सारा इन्ने चीफ इंजीनियर होर सड़क वाला स्टाफ उन्होंने तनखा जाती रही पंजाब चो पंजाब का तो कुंडा होया अर्थचारे का भी तो पंजाब के किसानी का भी तो पंजाब के मजदूर का भी क्योंकि खेती नहीं ईवन दुकानदारों का क्योंकि जब जिनी प्रोडक्शन घट होएगी उन्ने ही लोगों लॉस तो होगा ही होगा आमदनी फैसिलिटी घटी है जी डी पी नहीं उस तरीके वध सकिया सो यदा हल एक ही है भी पंजाब क्योंकि पंजाब एक खन खिता इस एरिए हिंदी भाषी नहीं है
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 67-69 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਪੁਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੂੜੀ ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕਰੋ ਵੇਡਰਾ, ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਸਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ 1981 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਔਰ 1976 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵਾਪਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, 1976 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।